जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम प्रस्तुत हुई है कन्या राशि सितंबर माह का राशिफल। विशेष विस्तार से इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। हम आपको ऐसे सटीक उपाय बताएंगे, आप रंग से राजा बनेंगे और जो भी आपकी परेशानी सारी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। देखिए सितंबर माह में विशेष फेस्टिवल क्या है हम वो बताना चाहते हैं। 7 तारीख को जो है अमावस्या है, पितरों की पूजा करें। 10 तारीख गणेश उत्सव है। कन्या राशि वालों के लिए गणेश जी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, सद्बुद्धि ज्ञान के लिए और अपने कामयाबी के लिए। दूसरा 20 तारीख को पूर्णमासी भगवान विष्णु की पूजा करें, उनकी कृपा पर बनी रहे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, ऐसे व्यक्ति कला कौशल का कारक होता है, युवराज होता है, जल्दी बोला, जल्दी खाना, जल्दी चलना, जल्दी सारे काम करता है। लेकिन जल्दीबाजी में काम खराब होते हैं, फिर नेगेटिव हो जाता है, फिर एक जगह चुपचाप बैठ जाता है। तो ऐसा ना करें। और लगन के हिसाब से बुध शुक्र बुध उच्च के चल रहे हैं आपके स्वामी, तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा इस समय। कोई नया आप काम बड़ा करेंगे और लग्जरी का सुख भी आपको प्राप्त होने दिखाई दे रहा है और होगा। धन का लिए आप दोस्तों को धन का आपको नहीं देना है, आदान प्रदान का नहीं करना है, धन आपका फंस सकता है। कुटुंब से भी आपके लिए कोई लेन देन कर सकते हैं जिससे आपको धन देना पड़ेगा। दूसरा आपके लिए केतु आपके पराक्रम बैठा है, जिसको आप अपना मानोगे, जस करोगे, वहाँ से आपको अपजस मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी अपना आप टाई अप करना, बड़े हिसाब से बड़े संयम के साथ चलना। शनि आपका पंचम विराजमान है, आपकी सोच बहुत बड़ी है, बुजुर्गों से आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई सरकार से या कोई सामाजिक आपको पद प्रतिष्ठा का दराजा देगा और पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। इस माह आप यात्रा के संबंध से आप अपना बल की प्राप्ति और मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और आपके लिए धन का इस माह बहुत आगमन होगा, लेकिन धन आपका बहुत खर्च हो जाएगा इस तरह, क्योंकि सर आपका कुंभ राशि में गुरु विराजमान रहेगा षष्ठ भाव में। तो ऐसे में क्या है कि धन का खर्चा का योग दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका राहु पंचम में विराजमान है, तो ऐसे राहु आपका भाग में विराजमान नवम भाव में गोचर करेगा वृषभ राशि में, तो भाग का सपोर्ट मिलेगा। किसी स्त्री के माध्यम से आपका एक अच्छा काम बनेगा और स्त्रियों का आपको सम्मान करना, उनको दुखित या कोई भी अपमान नहीं करना है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको भी आपको सम्मान करना, उनको भी सपोर्ट करना है, जिससे आपका कन्या राशि वालों के लिए अच्छा योग बनाई दिखाई दे रहा है। मंगल और सूर्य आपके बारे में भाव में विराजमान है, ऐसे में किसी को आप प्रेम करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ परिवर्तन खटास हो सकती है, इसलिए आपको बड़े सावधानी से उनके साथ पेश आना है। मंगल के साथ सूर्य बारहवां हो जाता है, तो ऐसे में क्या है कि आपकी यात्राएं होंगी, पिता से कुछ चिंताजनक आपको योग बनेगा, तो पिता की सेवा करनी है, देखभाल करने की आपको आवश्यकता है। बुध के लिए यदि आप व्यापार में 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप हिजड़ों के लिए हरी चूड़ी का दान कर सकते हैं। गणेश जी के बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, मोदक का प्रसाद लगाएं, उससे गणेश जी प्रसन्न रहेंगे, आपको राजयोग देंगे। यदि आपके व्यापार में कंठ में दिक्कत रहती है और नौकरी प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए पूजा प्रतिष्ठा के जिम्मेदारी के साथ ग्रेविटी के साथ आपको ये पन्ना रतन धारण करना है बुधवार के दिन बुध की होरा में, तब आपको और सफलता मिलेगी। बुधवार के दिन आपको पैसा किसी को नहीं देना है, मंगल को देना है। बुधवार को आपको हरा कपड़ा पहनना है, जिससे आपको अच्छे कामयाबी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को पैसा नहीं देना, मंगल को पैसा आपको बुला कर देना है। बुधवार को आपको कोई दान देना है, किसी का दान आपको नहीं लेना है, ये भी विशेष ध्यान देना है। दूसरा आप अपनी रणनीति के साथ जितना जल्दीबाजी से आप काम नहीं करेंगे उतना आपका काम अच्छा बनेगा। आप अच्छी तरीके से पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई आपका प्रश्न है पूछने का, हमारे ज्योतिष संस्थान के माध्यम से एस्ट्रो रामोत्तर मिश्रा हम आपको बताएंगे। कोई नई तकनीकी नई जानकारी आपको क्या लेनी है वो भी आपको प्राप्त हो सकती है यदि आप हमारे नंबर संपर्क करेंगे। दूसरा आप कोई काम होने से पहले यदि शेयर करते हैं तो आपको काम नहीं बनेगा, इसलिए आप कुछ ना बताएं, चुपचाप रहें, काम को गुप्त रखें, तब आपका काम बनेगा, क्योंकि समय के हिसाब से आपके काम सारे खंडित हो जाते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए हमारी शुभकामना है और आपको आशा करते हैं कि आप बहुत आगे तक जाएं, सफल व्यापारी बने और खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय माता दी।